नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, बिहार के एडीजी मुख्यालय में जितेंद्र सिंह गंगवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 2022 में टोटल कितनी गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ कितने अवैध रूप से जो हथियार तस्कर होते हैं, हथियार कितनी बरामद हुआ है और इसके साथ ही साथ जिंदे कारतूस कितना बरामद हुआ है, इन सबके जो जानकारी है वो एडीजी मुख्यालय में जितेंद्र सिंह गंगवार दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं जितेंद्र सिंह गंगवार। जैसा कि मैं आपको एक आंकड़ा देना चाह रहा हूँ, पूरे वर्ष 2022 में हमारी जो उपलब्धियाँ थी, पिछले बार हमने आपको उपलब्धि बताई थी पूरे एसटीएफ की, अब मैं पूरे राज्य पुलिस की उपलब्धि बता रहा हूँ और 2022 में कितनी हुई, और साथ ही साथ मैं 2020 और 21 के भी कुछ आंकड़े बताऊँगा, बाकी आंकड़े आपके प्रेस नोट में। गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या वर्ष 2020 में लगभग 1,72,000, 2021 में 1,97,000, यानी कि 14% की वृद्धि हुई 2020 से 21 के कंपैरिजन में, और 1,97,000 करीब अपराधकर्मी अभियुक्त गिरफ्तार हुए। वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर के 3,46,000, और इसमें 75% की वृद्धि हुई है 2022। इसमें ज़्यादातर अपराधी जो है मद्य निषेध के कांडों में, जो हमारी लगातार कार्रवाई है, हर महीने हम आपको बता रहे हैं कि कार्रवाई बढ़ रही है, वो भी इसमें शामिल है। अगर कुख्यात अपराध कर्मियों की बात करें तो वर्ष 2020 में 6,838, 2021 में 9,071, 32% की वृद्धि, और 2022 में भी इसमें वृद्धि हुई है 9,116 कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी। वैसे तो फिरौती हेतु अपहरण के कांड काफ़ी कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट नगण्य हैं, शून्य हो गए हैं, बहुत कम ऐसी घटनाएं अब देखने को मिलती हैं। फिर भी उनके जो पुराने अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी जो बची हुई है हम लोग करते हैं। 2020 में ऐसे फिरौती है तो अपहरण के पुराने कांडों में 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 2021 में संख्या बढ़ करके 38 हुई और 2022 में और बढ़ करके 40 फिरौती है तो अपहरण के अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया। बरामद जो इलीगल वेपन है, अवैध आग्नेयास्त्र हैं, उसकी संख्या 2020 में 3,993, 3,951 2021 में ऑलमोस्ट बराबर थी, और इस साल बढ़ करके 4,288 अवैध हथियार बिहार पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। जिसमें रेगुलर हथियारों की बात करें, रेगुलर जो हथियार हैं उसमें 2020 में 48, 2021 में 30 और 2022 में 78, तो ये संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है और लगातार हथियारों को हम जब्त कर रहे हैं। कारतूसों की बात करें, जो कारतूस बिहार पुलिस के द्वारा जब्त किए गए 2020 में 15,280, 2021 में 14,084 और 2022 में ये संख्या 100% बढ़ गई, और ये संख्या हो गई जहाँ पिछले साल 14,000 थी, बढ़ करके हो गई 28,200 कारतूसों को राज्य के अंदर बरामद किया गया। इसमें बहुत सारे कारतूस ऐसे थे जो अन्य राज्यों से बिहार में लाए जा रहे थे या अन्य राज्यों के लिए ले जाए जा रहे थे, तो वो बिहार पुलिस ने बिहार में अपने थाना क्षेत्र में बिहार पुलिस ने जब्त किया, तो वो भी है। इसी तरह से मैं कुछ आंकड़े और दे दूँ आपको कि हमारे पास में बरामद बमों की संख्या, उसमें भी बहुत वृद्धि हुई है। बरामद जो डेटोनेटर हैं उसकी भी संख्या में बहुत जब वृद्धि हुई। कई कांडों में पुलिस राशि जब्त करती है, तो राशि में बहुत तमाम मुद्राएं भी जब्त होती हैं, कई बार नेपाली मुद्रा, कई बार दूस पाउंड या इस तरह की, वो सब आंकड़े हैं, लेकिन वो आंकड़ों को मैं संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें तो लगभग 9,51,00,000 रुपए 2020 में, 2021 में 9,07,00,000 रुपए और 2022 में 11,71,00,000 रुपए लगभग बरामद किए गए। उसके अलावा अन्य जैसे कोरियन मुद्रा, पाउंड, यूएस डॉलर, रियाल, इजिप्शियन पाउंड, रूबल, लीरा, ये अन्य करेंसी जो विदेशी कभी कभी पकड़े जाते हैं उनके पास जो बरामद होती है, इसके कारण वो संख्या भी हमारे फिगर में है, वो आपको डिटेल में बता देंगे। जो सोना चांदी हम लोगों ने लूट का बरामद किया, उसकी फिगर भी है
वर्ष 2020 में करीब 30 किलो सोना और 58 किलो चांदी लगभग बरामद की। 21 में 26 किलो सोना और 131 किलो चांदी बरामद की गई और 2022 में 2 किलो सोना और 511 किलो चांदी बरामद की गई। ये फिगर अभी प्रोविजनल है, ये फिगर अभी हमने कलेक्ट किया और आपके सामने रख रहे हैं। अगर कोई इसमें संशोधन होगा तो आपको बताएंगे। वर्ष समाप्त होने के बाद में ये हमारी फिगर। जो वाहनों की बरामदगी, जो पुलिस वाहन जब्त करती है, 2021-20 में 18,437, 21 में 26,505, बढ़ करके कितना 18,000 से 26,000 वाहन जब्त, और 2022 में संख्या और बढ़ करके 30,764 वाहनों को पुलिस के द्वारा अनेक कांडों के अनुसंधान के क्रम में जब्त किया गया। सभी तरह के कांडों में, सभी तरह के थानों से, सभी जिलों की फिगर हमने कंबाइन की है। इसमें अगर कोई चेंज होगा, कुछ होगा, तो आपको अलग से हम बताएंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि 3,46,000 गिरफ्तारी हुई है 2022 में। इसी के साथ साथ जो जिंदा कारतूस मिले हैं वह टोटल 28,200 जिंदा कारतूस मिले हैं और इसके साथ 4,228 हथियार मिले हैं। तो ये जो जितेंद्र सिंह गंगवार एडीजी मुख्यालय में पूरी जानकारी दे रहे थे कि 2022 में टोटल कितनी गिरफ्तारी हुई है, जिंदा कारतूस कितना मिला है, साथ ही साथ जो हथियार होते हैं वो हथियारों की संख्या कितनी बरामद हुई है, और इसके साथ इन्होंने बताया कि टोटल 11 करोड़ रुपये भी बरामद किए गए हैं, 11 करोड़ कैश रुपये बरामद किए गए हैं, जो बिहार के 3800 जिलों से अलग अलग जगहों से जो पुलिस ने जब्त की है। इन सब की जानकारी आज एडीजी मुख्यालय में जितेंद्र सिंह गंगवार दे रहे थे। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।